राजभर को हिस्सा दिलाने के लिए ना समाजवादी पार्टी को याद है, ना इधर बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी हैं, इनको भी याद नहीं है। 11 मार्च 2022 हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने में केंद्र को भेजे, लेकिन अभी तक, हाँ इसमें कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया हम मिलते हैं तो इधर बुरा लगता है, ये मिलते हैं तो मजा आता है। माननीय रामगोपाल जी जब जाते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लिखे हैं, उनके निवेदन के लिए जाते हैं, उनको बचाने के लिए जाते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर ओम प्रकाश राजभर भर जाति के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसको क्रियान्वयन के लिए अगर जाता है तो हम बीजेपी में जाते हैं, हम बीजेपी में जाते हैं तब हमको कहा देते हैं तलाक, तो हम कबूल कर लिए वर्मा जी, हमने कबूल कर लिया कई बात करें। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कुछ बिंदुओं पर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने सुना, ये लोग सुनने नहीं दे रहे थे लेकिन मैं कान में लगा के दोनों हाथ दबा के सुन रहा था, क्या करें भाई सुनना है। उसमें एक बात आई, निःशुल्क बिजली कनेक्शन सरकार ने दिया, बहुत अच्छा काम दिया, लेकिन गरीब कमजोर जो अशिक्षित वो समझ लिया कि निःशुल्क बिजली है, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद अब उनके यहां 15,000 20,000 बिल जाने लगा। कभी सरकार ने यह नहीं बताया कि निःशुल्क कनेक्शन हमने दिया है, आपको बिल देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप भी प्रेस करते हैं तो इस बात को जनता के बीच में संदेश देना चाहिए। अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, अंधेरे में अब वो गरीब अशिक्षित खाना खाने जा रहा है तो पता रहा मुंह में डाला था पीएम जल जा रहा है, अब क्या करें, गांव से गांव कनेक्शन कट जा रहे हैं, छटपटा रहा है, इसको देखवा लीजिएगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वही 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए बकाए है, कनेक्शन नहीं कट रहा है लेकिन गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय। और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, मैं गया था एक दिन, मैं सदन में उपस्थित था, दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक जिले की बात।